हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, जो सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दुख दूर हो जाए, इस तरह का भावना भरा हुआ मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, कथा इस तरह से है कि दो दोस्त थे, दोनों दोस्त मिलकर, दो मित्र कहिए, बहुत ही प्यारा मित्र था, बहुत ही दोस्ती थी दोनों में। दोनों दोस्त एक साथ पढ़ाई करते, एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ बैठते, एक साथ सोते, ऐसा दोनों में मित्रता थी, दोनों में प्रेम थी। दोनों साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करते, तो ऐसा हुआ कि उनका दोस्त जो है सो पढ़ाई करते करते एक दोस्त जो है सो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया और एक दोस्त जो है सो किसान बन गया। तो जो दोस्त इंजीनियर बन गया वो तो चले गए विदेश, और जो किसान थे वो तो गांव में ही अपना खेतीबाड़ी करते और गांव में ही बिजनेस करते, और उनकी माँ थी, पिताजी थे और दो बच्चे थे, उनको लेकर के जो है इस गांव में ही रहते। और उनका साथी जो था, मित्र जो बहुत पढ़ने वाला था, बहुत पराकू था, वो इंजीनियर बने तो वो विदेश चले गए। जब विदेश चले गए तो विदेश में ही रहने लगे। विदेश में रहते रहते क्या हुआ, कोरोना वायरस आई। ये सत्य घटना पे आधारित है कथा दोस्तों, यार ये सत्य है। तो उन्होंने कोरोना वायरस में क्या हुआ, आप तो जानते हैं, बहुत बड़ा एक रोग आई, बीमारी आई। उस समय में क्या हुआ कि सारे जगह के जो है सो देखिएगा, आपकी कॉल कारखाना सब बंद हो गया। तो वो क्या करेंगे, तो वहाँ से रिटर्न चला आया, अपने मुल्क, अपने देश चले आए। जब अपने देश चले आए तो सोचा कि यहीं पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस किया जाए और खाया जाए। लेकिन वो करेगा क्यों, क्योंकि वो तो इतना पढ़ा लिखा था कि उनसे मतलब कुछ होता भी नहीं था छोटे मोटे काम, क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, जो बहुत अव्वल दर्जे के रहते हैं, तो उनसे छोटा मोटा काम होता भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें क्या करें, तो अपना दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाके कहने लगा दोस्त को कि दोस्त देखो, मैं प्रदेश में इंजीनियरिंग करता था, मैं काम करता था, वहाँ पर मैंने कमाया जो भी धन, और कोरोना वायरस के कारण वहाँ का कंपनी बंद हो गया और मुझे शहर आना पड़ा, और मैं बहुत दुखी हूँ। अब हमारा संसार जो है चल नहीं रहा है, किस तरह से हम संसार चलाए, किस तरह से हम खाए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो उनको दोस्त कहने लगे कि दोस्त कोई बात नहीं है, हम लोग बचपन के दोस्त ठहरे, तुम ऐसा करो कि हमारा तो बिजनेस बहुत बड़ा है, पूरे जगह में मतलब हमारा बिजनेस फैला हुआ है। उनका क्या था कि ट्रक में माल लेकर के जो है दिल्ली बम्बई हर जगह पे माल पहुंचाने का उनका काम था। तो आप दोस्त, आप ऐसा करना कि इस बिजनेस को मतलब हम दोनों मिलकर चलाएंगे, इस बिजनेस को हम दोनों मिलकर करेंगे, और जो भी पैसा मिलेगा हम दोनों मिलकर लेंगे और खाएंगे। तो कहा कि भाई बहुत अच्छा बात है कि चलो हमारा भी पेट चल जाएगा और आपका भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने ऐसा करके उनके साथ रहने लगे, बिजनेस करने लगे। अब उन्होंने जितना जगह पे माल दिए थे, सामान दिए थे, हर जगह पर जो सामान देते थे, तो दोस्त को कहा कि दोस्त चलो ऐसा करते हैं कि हमने इतना दिन में जो भी कमाया है, जो भी सबको सामान दिया है, उनका पैसा जो है आज लाने का बारी है, तो हम साथ साथ चलते हैं और पैसा ले आते हैं। तो दोस्त ने कहा कि दोस्त के साथ चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। अब दोनों दोस्त मिलकर चले गए पैसा लाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा पैसा उन्हें मिला है, कम से कम 10-15 लाख उनको मिला। तो दोस्त ने सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत इनकम है, बहुत कमाई है। तो अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा से रहने लगा, बिजनेस करने लगा। अब दोस्त ने कहा कि देखो दोस्त, ऐसा करो, तुम तो पढ़े लिखे हो और मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं खेतीबाड़ी करूँगा, मैं उपजाऊ करूँगा और मैं सारा सामान पहुँचाऊँगा लोगों के दुकान दुकान, और तुम ऐसा करना कि पैसा जो है सो लाला करके जो है तुम हिसाबारी रखना। तो दोस्त ने कहा कि भाई ये भी काम बहुत अच्छा है। तो उन्होंने ऐसा कहते हुए जो है कहा कि ठीक है, बिजनेस में लग गए दोनों के दोनों। अब दोनों जब बिजनेस में लग गए तो कमाने लगे। अब कमाते कमाते जो इनका मित्र है, जो इंजीनियर है, उनके मन में आई भावना गलत कि भाई इतना पैसा कमाते हैं ये, तो इसमें से मैं कुछ पैसा मार लूं तो इनको पता भी नहीं चलेगा भाई। तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए जो खाता पेन का कारोबारी है वो तो चोरी करते ही करते हैं, और उनको पता भी ना, जो मूर्ख है उनको मूर्ख बनाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि उनका जो है पैसा मारने लगे। मारते मारते क्या हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ा मतलब उनसे भी ज़्यादा बड़ा व्यापारी बन गए। और तब दोस्त ने सोचा कि भाई इतना पैसा पहले होता था, हम कमाते थे तो इतना घर चलती थी, इतना पैसा होता था बिजनेस, और ये जाते पैसा लाने के लिए तो कहते कि दोस्त इतना ही दिया उतना ही दिया बोल करके जो है सो मतलब समय बिता लेते थे।
अब दोष ऐसा था कि उनको भरोसा था अपने दोष पर में। देखिए भरोसा पे दुनिया कायम है, लेकिन भरोसा को इंसान तोड़ देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ महादेव को ऐसे इंसान को तो पानी पर पानी का गिलास परा रहे, लेकिन पानी मुंह में डालने वाला कोई ना हो। महादेव ऐसे इंसान को तो इसी तरह का सजा आप दीजिएगा। मैं तो यही विनती करूंगी आपसे, क्योंकि भरे पड़े हैं ऐसे लोग संसार में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करो, बिजनेस बहुत बहुत चौड़ी हो गई, बहुत दिन दुगनी रात चौगनी उनका बिजनेस हो गया। तो दोस्त ने सोचा कि भाई इतना जो क्या किसान भाई थे, सोचा कि भाई मैं जब बिजनेस करता था तो बहुत पैसा होता था, बहुत सारा मतलब हम उन्नति करते थे। जब से मित्र आया, पर मित्र पर मैं गलत ये भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा था कि मेरे दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। यही भरोसा लेकर के उन्होंने जो है सो अपना दोस्त को बिजनेस सौंप दिए थे पूरा। तो उन्होंने उसमें धांधली करने लगे, ये तो उनको नहीं पता था कि ये धांधली कर रहे हैं। और मन एक होता था कि नहीं इतना तो मेरा कमाई होता था, लेकिन जब से दोष आया तब से कमाई नहीं हो रहा है। तो गलत भावनाएं आती थी, लेकिन कहते थे कि नहीं ऐसा सोचना नहीं चाहिए दोष के प्रति। जो बुरा वक्त में मेरे पास में आया, मैंने जिसके लिए बुरा वक्त में खड़ा उतरा, वो मेरे साथ ऐसा गद्दारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मुसीबत के समय मैंने उनको साथ दिया। कोरोना वायरस के समय में सारे बिजनेस बंद हो गए, तब उन्होंने मेरे पास आके खड़ा हुआ और मैंने उनका उद्धार किया, उनकी संसार चलाई, उनकी घर चलाई। तो ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि किसी का आप 2 रुपया खाएंगे विपद के समय में दोस्तों, या चाहे विपद के समय में कोई अगर 1 रुपया अगर कोई किसी को देता है तो लाखों करोड़ों के बड़ा सम्मान होता है। और ऐसा इंसान आप हमेशा ऐसा इंसान जो है कभी गद्दारी नहीं करेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, पर गद्दार करने वाले तो गद्दारी करते हैं। तो उन्होंने कभी गलत लाई नहीं, मन में आती भी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है भाई। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उनको उनका दोस्त कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, हमारे पास खुद ही इतना संपत्ति है कि हम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्त ने कहा कि भाई ठीक है आपकी जैसी मर्जी। हाँ, तो उन्होंने दोस्त का साथ जो किसान दोस्त भाई दोस्त थे उनका काम भी छोड़ दिया और ये अपना बिजनेस खड़ा कर लिए। अब बिजनेस खड़ा कर लिए तो बिजनेस में अब इनका जो अब जब देखिएगा माने जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो ऐसा व्यक्ति को देखिएगा बहुत उन्नति होता है, दिन दुगनी रात चौगनी माने संपत्ति पे संपत्ति भगवान देंगे। मतलब भगवान उनको कहते हैं कि देख, मतलब देते हैं, मतलब भगवान उनको कहते हैं कि संभल जा, संभलने का मौका है संभल जा, पर इंसान समझ नहीं पाता है कि मतलब इसी में क्या छिपा हुआ है। वो करते रहते हैं गद्दारी पर गद्दारी, मतलब लूट पे लूट करते रहते हैं। तो उनका घर में कोई उनके औलाद नहीं थे, तो एक औलाद उनकी हुई, तो औलाद हुई ना, तो औलाद पढ़ाई लिखाई किए, सब कुछ किया, बहुत मतलब सब कुछ उनको भगवान दिया, मित्र को भी दिया। मित्र जो है सो सीधा साधा थे, माँ बाप को लेके चलने वाले, बुरा वक्त में आए। ये तो इनकी पत्नी थी और माँ बाप जो थे उनके, तो सोचे कि कोरोना के समय में हमारा घर नहीं चल रहा है तो माँ बाप को कैसे चलाएंगे, तो माँ बाबू जी को डाल दिया वृद्धाश्रम में। और सोचा कि दोस्त के यहाँ काम करके अपने पति पत्नी तो किसी तरह से पेट भर ही लेंगे, इस तरह का भावना, और माँ पिताजी को डाल दिए आश्रम में। और ये गरीब भाई जो थे तो कैसे भी करके खुद भी खाते थे, बच्चों को भी खिलाते थे और अपने माँ बाप को भी नमक रोटी। और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम आपको अगर पहचान करना होगा लोगों को, तो इससे पहचान करिएगा जो लड़का या चाहे जो लड़की अपने माँ बाप को लेके चलता हो, अपने परिवार को लेके चलता हो, समझ लेना वो सच्चा है। और जो अपना माँ बाप को देखे कि इतना कष्ट है दुख है उसको झेलते हुए देखे, समझ लेना इसके दिल में कभी भी माया का भावना नहीं हो सकता, ऐसे लोग गद्दार होते हैं। ये मतलब पहचान है, कथा के माध्यम से आप लोगों को मैसेज है, इस मैसेज को आप लोग जरूर समझना कि जो फैमिली को लेके जो परिवार को लेके चलते हैं वो हमेशा जो इनके दिल में माया रहती है। अब बहुत लोग माया आपको दिखाएंगे पर माया नाम का कोई चीज उनमें नहीं रहती है। माँ कहीं, बाप कहीं, बच्चे कहीं, खुद अपना ऐश करे दोनों पति पत्नी, यही उनकी मोटिज रहती है। तो उन्होंने ऐसा करके जो फिर उनके घर में जो एक बेटा हुआ, तो बेटा को हो गया कैंसर। अब बेटा को जब कैंसर बीमारी हो गया तो अब ये बीमारी तो जानते हैं कि पूरा खोखला कर देंगे आपको, पूरा भिखारी बना देंगे, तब भी आपका घर जो है सो मतलब नहीं चलेगा। अब पूरे इनके घर जो है सो खाली हो गया, पूरा सब कुछ इनका खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा इनके पास। तब इनको याद आई कि भाई
मैंने अपना दोस्त के साथ गद्दारी किया, इसीलिए तो शायद मेरे साथ नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त ने मेरे को बुरा वक्त में मेरा साथ दिया था। जब मैं कोरोना के समय में मैं बाहर से आया, तब मेरा दोस्त मेरे को साथ दिया। आज मैं उस दोस्त के साथ, मतलब उनको जो है, मतलब अब तब जाके उनको समझ आई कि जब मतलब कुछ नहीं रह गया तब समझ आई उनको। तो उन्हें सोचा कि मैं अपना दोस्त के साथ गद्दारी किया, मेरे पास आज कुछ भी नहीं रहा, एक भगवान औलाद दिया, उसको भी इतना बड़ा रोग लगा। तो एक दिन क्या होता है, हॉस्पिटल में उनका बच्चा पड़ा रहता है और बाप माँ दोनों बहुत रो रहे हैं कि मेरा कौन सा कर्म का सजा मेरा बच्चा को मिल रहा है, भगवान मेरे को पता नहीं, मेरा बच्चा को ठीक कर दो, मेरा बच्चा को ठीक कर दो। बहुत रो रहे हैं, तकलीफ में है, क्योंकि औलाद से बड़ा अगर कोई माँ बाप अपने औलाद को सामने में देखे कि कष्ट हो रहा है, तो उससे बड़ा कष्ट इंसान को और कुछ नहीं कहा जाए, वो सबसे बड़ा कष्ट है, वो सबसे बड़ा तकलीफ है दोस्तों। तो बच्चा को कहा, बेटा मैंने तो सब कुछ किया तेरे लिए, पर तू ठीक नहीं हो पा रहा है, क्या मैंने ऐसा दोष किया, क्या मैंने ऐसा कष्ट किया कि जिसके कारण तुमको इतना बड़ा रोग लग गया। मेरे को भगवान दे देता, मेरे को भगवान रोग देता, लेकिन मेरे घर में, मेरे कुल में दीपक जलाने के लिए कम से कम तू रहता, लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस पाप का सजा मेरे को भगवान दे रहे हैं। तो बेटा ने कहा, पिताजी मेरे सामने में आइए, मैं आपके कान में कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो पिताजी ने सोचा कि मेरे पापा क्या कहना चाह रहे हैं, जब सामने में कान दिया तो पिताजी कहते हैं कि, पिताजी को बालक कहते हैं जो पुत्र है उनके, वो कहते हैं कि पापा पिताजी मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो एक काल हूँ जो आपके घर में काल भर के जन्म लिया, और आपने अपना मित्र को धोखा दिया, आपने अपना मित्र को लूटा पिताजी, वो सच के राह पे चल रहे थे, आप खा नहीं पाते, फिर भी उन्होंने आपको साथ दिया और उनको आप भिखारी बना करके आप स्वयं इतने बड़े राजपाट का मालिक हो गया। तो भगवान ये चीज को जो है सो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी माध्यम से रोग बीमारी घर में भेज देते हैं और भेज करके जो इस इंसान को सजा देते हैं। पिताजी तो मैं एक काल हूँ जो आपके घर में जन्म लिया था, पिताजी मैं अब सब कुछ आपका खत्म कर दिया हूँ, जिन्हों जो जो आप उनसे लिए थे लूटे थे वो सब मैंने आपका खत्म कर दिया, अब मैं इस संसार से जा रहा हूँ, ऐसा कर कह करके अपने क्षमा मांग करके जितना दिन मैंने आपके घर में खाया, आपका माँ का दूध पिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बोल करके अपने पिताजी से और प्राण त्याग दिए। लेकिन दोस्तों फिर बोला नहीं जाता है कि अब क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, इंसान के जीवन में कष्ट आती है, दुख आती है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बैठ उस चीज़ को, समस्या का समाधान है, लेकिन इंसान के मन में अगर लोभ लालच आ जाए तो फिर उसका कोई मतलब रास्ता ही नहीं है दोस्तों। तो इस तरह का अगर देखिए, लूट के धन से अगर हम इमारत खड़ा करें तो इमारत को ढहने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, एक सेकंड लगेगा उसको ढहने में। इसीलिए इंसान को कभी किसी का ठक के गाड़ी बंगला नहीं बनाना चाहिए, दो वक्त का रोटी नहीं खाना, भले आप ना खाओ, भले हम चार दिन नहीं खाएंगे, हम पानी पी के रहेंगे, लेकिन हम सच के राह पे चलेंगे, हम जिसका भी लिए हैं उसका हम इज्जत के साथ जितना हो सकेगा हमसे, हम उनके पास खड़ा होंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि नहीं भाई, आपने हमें बुरा वक्त में हमारे लिए खड़ा हुआ है, आप जो देंगे मेरे को वही मेरे लिए महान है, आप जितना दोगे वो मेरे लिए महान है। क्योंकि जब आप टूटे हुए थे, जब आपके कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब आपको सहारा उन्होंने दिया, लेकिन उस सहारा को आप सहारा नहीं सोचकर आप उनको धोखा दिए, तो इसका तो राम ही राखे। तो दोस्तों यही कहते हैं कि हमेशा सच के राह पे चलना चाहिए, हमेशा जितना है उसी में लोगों को हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। कहते हैं मंजूरे इंसान भी चाहे तो क्या होता है, लेकिन मंजूर वही होता है जो भगवान चाहता है, भगवान जो चाहता है वही होता है। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे रखती हूँ दोस्तों, आज गुरु सोह में प्रणाम करती हूँ, राधे राधे, श्री श्याम सबको प्रणाम।